मंत्रा डिवाइस नॉट वर्किंग इन फोरम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने मंत्रा डिवाइस को अपने सिस्टम के अंदर कंप्लीट इंस्टॉल कर लिया है और आपकी मंत्रा डिवाइस है वो गूगल क्रोम के अंदर वर्क नहीं कर रही है, तो उसके अंदर वर्क कैसे करेगी और गूगल क्रोम के अंदर हमारे को क्या सेटिंग करनी होती है, तो इस वीडियो को आप कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपके सिस्टम के अंदर मंत्रा का ड्राइवर आरडी सर्विस है वो कंप्लीट इंस्टॉल है और आरडी सर्विस आपका लेटेस्ट इंस्टॉल होना चाहिए। और उसके बाद में आप सबसे पहले चेक करोगे कि आपके सिस्टम के अंदर डिवाइस कनेक्टेड होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको डिवाइस कनेक्ट के लिए चेक करने के लिए अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना है और यहाँ पर व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं MFS 100 लिखा हुआ है और जब मैं यहाँ से USB को निकालता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हट गई है और वापस मैं प्लग इन करता हूँ तो यहाँ पर आ गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी डिवाइस है वो सिस्टम के अंदर बिल्कुल कनेक्टेड है। और उसके बाद में आपको सर्च करना है अपने विंडो के अंदर सर्विस SERV, इस तरीके सर्विस को सर्च करोगे और उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर बीच में कहीं भी क्लिक करके M लिखोगे तो यहाँ पर मंत्रा AVDM लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर RD सर्विस को आपको रीस्टार्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी मंत्रा RD सर्विस है, रीस्टार्ट हो गई, फ्रेमवर्क इज रेडी टू यूज लिखा हुआ आ गया है। अब हमारे को गूगल क्रोम के अंदर सेटिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर थ्रू डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर हेल्प पे माउस लाना है, अबाउट गूगल क्रोम पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका गूगल क्रोम है ये अपडेट के लिए चेक होगा। यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आपको ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन है, यहाँ पर अगर आपका इस तरीके से ऑफ है तो इसको इस तरीके से राइट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये सेटिंग लिखा हुआ है यहाँ से हटा देना है और यहाँ पर लिखना है FLAGS लिखना है फ्लक्स, उसके बाद में एंटर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कंट्रोल F करना है फाइंड के लिए और उसके बाद में यहाँ पर इनवैलिड लिखना है INVALID। आप इनवैलिड लिखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउड इनवैलिड सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका अगर इस प्रकार से डिसेबल है तो आपको यहां से एनेबल पे क्लिक करना है और रीलॉन्च पे क्लिक कर। जैसे ही आप रीलॉन्च पे क्लिक करोगे तो आपका गूगल क्रोम ब्राउजर है ये मंत्रा डिवाइस को सपोर्ट करने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। इतना करने के बाद भी आपकी डिवाइस है गूगल क्रोम के अंदर आप किसी भी काम में यूज कर रहे हैं उस सभी काम के लिए वर्किंग में हो जाएगी, सभी काम में वर्क आने लगेगी। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मंत्रा डिवाइस को कंप्लीट इंस्टॉल करने का वीडियो हमारे चैनल पर है और RD को अपडेट करने का भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।